डियर स्टूडेंट्स असलकम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर इन वॉइसिंग एंड डिपॉजिट एंड सी हाउ टू हैंडल अंडर पेमेंट्स आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा कि जब हमारे पास एक इनवॉइस के अगेंस्ट पूरी पेमेंट नहीं आती तो उसे हम कहते हैं अंडर पेमेंट इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और वो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं मिसाल के तौर पे हमारा जो कस्टमर है वो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट की चेक देता रहता है कभी वो चेक हमारी इनवाइस से बढ़ जाते हैं कभी वो उससे कम हो जाते हैं अगर हमारे जो इन्वाइसिंग है वो मुख्तलिफ रुपयों में है और हमारा जो कस्टमर है हमें राउंड फिगर में चेक दे रहा है तो हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा सिस्टम हमारा केपेबल है कि ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद हैंडल करता चला जाए आपने सिर्फ उसमें सही फिगर्स और अमाउंट डालनी और सिस्टम को सब पता है कि ये क्रेडिट देना है या इस बंदे से ये पैसे वसूल करने हैं ऑल यू हैव टू डू इज एंटर द अमाउंट अगेंस्ट करेक्ट कस्टमर्स करेक्टली बस आपने सही कस्टमर चूज करना है सही अमाउंट डालनी है बाकी आपने अपने सिस्टम पे छोड़ देना है पिछले लेक्चर में आपने देखा कि अगर हमारे किसी कस्टमर ने अंडर पेमेंट की हो तो हमारा सिस्टम उसका ट्रैक रखता है बताता है कि ओरिजिनल अमाउंट इतनी थी इतनी पेमेंट आ गई है और इतनी अंडर पेमेंट है और जब तक वो अंडर पेमेंट कवर नहीं हो जाती वो इन हमेशा शो होती रहती हमने पिछली दफ़ा देखा था कि हमारे पास दो ऑप्शन थे एक अंडर पेमेंट का इसका मतलब है कि वी आर श्योर दैट आर कस्टमर इज गोइंग टू पे एस और दूसरा था राइट ऑफ का अब ये राइट ऑफ क्या है राइट ऑफ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब हमारे पास ये जो बैलेंस है इन का ये कस्टमर हमें नहीं देगा अच्छा इसकी भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं बास बहुत जेन्यून और बास जो आपको पसंद ना आए मिसाल के तौर पे आपका कस्टमर आप केपेबल ही नहीं है आपको पे करने का वो बैंकप्ट हो गया उसकी काम बंद हो गया इस वक्त आपको ये इन राइट ऑफ करना पड़ेगा लेकिन अमूमन आमतौर पर ऐसा नहीं होता आम तौर पे होता ये है कि हमने उससे वादे किए होते हैं या हमने कोई डिस्काउंट अनाउंस किया होता है और गलती से या किसी भी ओवरसाइट की वजह से हमने उसको फुल अमाउंट का बिल कर दिया होता है इन कर दी होती है अब वो हमें रिमाइंड कराता है कि आपने मुझे पूरे अमाउंट का बिल कर दिया है जबकि आपने मुझे डिस्काउंट देना था जब वो ये कहता है तो हमारे पास दो ऑप्शन कि हम उसको एक क्रेडिट नोट जारी कर दें और वो हम कैरी करें फॉर नेक्स्ट इन या हम उसको रिफंड कर दें या हम उसको राइट ऑफ कर दें इनवॉइस को अगर उसके पास से पेमेंट नहीं आई और अगर उसके पास से पेमेंट नहीं आई तो हमने सिर्फ ये काम करना है कि हमने इन का वो पोर्शन जो कि हमने डिस्काउंट में उसे देना था वो राइट ऑफ कर दें राइट ऑफ एक एक्सपेंस है कंपनी को क्योंकि उसने सेल फुल अमाउंट पे बुक कर ली है। और उसको उसकी फुल पेमेंट नहीं आनी इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है बिटवीन सेल्स एंड द अमाउंट रिसीव इज द नेट लॉस जो लॉस है उसको हम कहते हैं बैड डेट और हम उसको राइट ऑफ में या बैड डेट में अकाउंट फॉर करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ़ायदा हो या नुकसान हमने उसे रिकॉर्ड ज़रूर करना है क्योंकि अकाउंटिंग बगैर रिकॉर्डिंग के नहीं चल सकती इस चीज़ को जिसको हम राइट ऑफ कह रहे हैं ये हमारे पास हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में एक हेड मौजूद है जो कि राइट ऑफ का हेड है जो अमाउंट हमने राइट ऑफ़ करनी है वो वहाँ जमा होगी याद रहे कि राइट ऑफ या बैड डेट का जो हेड है वो हमेशा एक्सपेंस का हेड होता है इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास किसी किस्म का भी बैड डेट होगा तो हमारी इनवॉइस की वैल्यू या उसकी पार्शल वैल्यू हमेशा बैड डेट या राइट ऑफ में जाएगी ये चीज़ हमने पहले पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है आइए देखते हैं कि क्विक बुक्स में ये चीज़ किस तरीके से काम करती है और इम्प्लीमेंट हुई हुई वंस अगेन हम अपने होम पेज पे आएंगे और हम यहीं से सारी नेविगेशन करते हैं जैसे कि मैंने हम आपको बताया कि हम इस वक्त देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अंडर पेमेंट हुई है और उसको हमने राइट ऑफ करना लेट्स गो ओवर टू आर पेमेंट्स लास्ट टाइम जो हमने यहाँ चीज़ आपको दिखाई थी उसमें हमारे जो कस्टमर हैं क्रिस बेकर उनकी दो इन्वासे मौजूद हैं और जो टोटल अमाउंट उनका रह गया देना वो यहाँ टोटल होके आ रहा है ये ओरिजिनल अमाउंट था ये अमाउंट ड्यू है जिसमें से पार्शल पेमेंट हो गई है लेकिन इन दिस केस हमने जो इनवॉइस पकड़नी है जिसकी हमने राइट ऑफ करना है वो है इनवॉइस 1132 इसके हमारे कस्टमर ने हमें पैसे जो देने हैं वो हैं 5,200 और 300 डॉलर राइट ऑफ होने और इसकी वजह यह है कि यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है कोई ज़बरदस्ती नहीं हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं लेकिन वंस अगेन जब भी कोई काम होगा अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और यही सही तरीका है हर किस्म के हिसाब किताब रखने का एवरी थिंग शुड बी रिकॉर्डेड ऑडिट के लिए भी आपके अपने लिए भी और आपके कस्टमर के लिए भी ये इंफॉर्मेशन हमेशा सेव रहनी चाहिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे हमने इधर हैंडल करना है सबसे पहली चीज़ उसने हमें पेमेंट कर दी है एज़ पर आर म्यूचुअली एग्रीड प्राइस ऑफ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड अब हमें पता है कि ये प्राइस ये पैसे जो उसने हमें अदा किए हैं दिस इज़ अगेंस्ट आर इन 1132। वन वन थ्री टू अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हमें सिस्टम बता रहा है कि ये एक अंडर पेमेंट आ गई याद रहे कि हमने जो ऊपर अमाउंट दी थी उसको हमने लिंक किया है एक इन के साथ कैसे टिक करके और हमारे पास अमाउंट ड्यू थी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इन्वाइस और उसकी जो पेमेंट आई है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड है वंस अगेन वी हैव टू ऑप्शन नंबर वन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू वो है लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट जब हम इसे लीव करेंगे तो हम वापस आ देखेंगे कि ये अमाउंट अभी भी यहाँ पड़ी हुई है और ये आने वाली पेमेंट्स में एडजस्ट होगी नॉट इन दिस केस दिस केस वी हैव ऑलरेडी अग्रीड दिस इज गोइंग टू बी रिटर्न ऑफ अच्छा इधर आप नीचे एक और चीज़ भी देख सकते हैं व्यू कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि हम उसको एक किसी किस्म का अगर मेमो भेजना चाहें तो वो भी हम भेज सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप कर सकते हैं लेकिन यू डोंट नीड टू व्हाई बिकॉज दिस हैज़ बीन म्यूचुअली डिसाइडेड आपके आपस में कि डिसाइड हो गया है कि ये हमने राइट ऑफ़ कर देना है जैसे ही हम इसको चेक करेंगे राइट ऑफ को और इसे सेव एंड क्लोज करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि जो तीन सौ डॉलर है ये किस अकाउंट में जाने अब हमारे पास बहुत सारे अकाउंट मौजूद हैं लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अकाउंट राइट ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है वो एक एक्सपेंस का अकाउंट है और हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम इतना अक्लमंद है कि वो सारे ही एक्सपेंस के अकाउंट दिखा रहा है मैंने आपको इसका बताया भी था कि इसे कहते क्या हैं अकाउंट्स की ज़मान में वो कहलाता है बैड डेट इसको अगर आपके अकाउंट डिपार्टमेंट राइट ऑफ नाम देना चाहे राइट ऑफ भी देते लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आजकल चल रहा है उसके लिहाज से इसे लोग बैड डेट भी कहते हैं तो हम चूज़ करेंगे बैड डेट ऑटोमेटिकली ये अमाउंट हमारी एक्सपेंस बैड डेट में चली जाएगी और यहाँ से ये गायब हो जाएगी अभी हम देख भी लेते हैं इसे हमने ओके okay किया अब हम जाके देखते हैं कि क्या ये जो अमाउंट हमने वहाँ से राइट ऑफ की है वो पूरी की पूरी राइट ऑफ हो गई है यानी पूरी इनवाइस आई लेट्स चेक हमारे पास वन वन थ्री टू इनवाइस थी जो हमने पूरी पे ऑफ इस तरह से की है कि पार्शल पेमेंट आई है एंड रेस्ट वॉज राइट ऑफ दैट इज एज बैड डेट और आपने आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास सिर्फ एक इन्वॉइस अनपेड आ रही है हमारे कस्टमर बेकर की पिछली इनवायस पार्शली पेड एंड पार्शली रिटर्न ऑफ हो गई हम देखना अगर चाहें कि हमारी ये इंफॉर्मेशन कहाँ है तो हम चार्ट ऑफ़ अकाउंट में जाके अपने एक्सपेंसेस में देख सकते हैं कि हमारे पास बैड डेट के अकाउंट में अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो बैड डेट में वो 300 डॉलर पड़े हैं जो अभी हमने राइट ऑफ किए सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड वेदर म्यूचुअली एग्रीड और नॉट एवरी थिंग हैज़ टू बी रिकॉर्डेड फॉर ऑडिट योर ओन अकाउंटिंग पर्पसज एंड फॉर द सेक ऑफ योर कस्टमर एज वेल अब आपको पता चल गया है कि अगर कोई अंडर पेमेंट हमारी इन वॉयस की आ रही है तो उसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं और वह ज़्यादातर जेन्यून वजह होती है और उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए हो सकता है कि वो अंडर पेमेंट इस वजह से आई हो कि इस वक्त जो हमें हमारे क्लाइंट के कस्टमर ने चेक दिया है उसकी उसके पास पैसे ही इतने हो और वो बदनीति से काम नहीं कर रहा वो अगले चेक में आपकी कमी पूरी कर देगा और हो सकता है कि हमारी उससे अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि हमने उससे पैसे ही इतने लेने हैं और हमने उसे किसी डिस्काउंट जो हमने उसे वादा किया था वो हमने इन में नहीं डाला इन बहुत सारी वजूहत की वजह से हमें अंडर पेमेंट का सामना करना पड़ता है लेकिन तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है जो भी रीजन होगी हमें पता होगी अंडर पेमेंट बिकॉज द टोटल अमाउंट वॉज नॉट रिसीव्ड बट वॉज गोइंग टू बी रिसीव सब्सिक्वेंटली बाद में मिलने वाली और इट वॉज रिटर्न ऑफ ड्यू टू म्यूचुअल अग्रीमेंट तो अब आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इनवाइसिस हाउ टू को रिलेट दैम विद पेमेंट्स एंड हाउ टू डिपॉजिट द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट थैंक यू सो मच you <laughs>